आजकल के बच्चे क्लासेस ऐसे लेते हैं गाइस, कॉपी के पीछे नमकीन की कटोरी रखी है, लौंडा लगा है खाने में खटाखट खटाखट। हाँ भाई, ये कौन सी क्लास है, खा ले। मेरे से तो तीन तीन चीजें ले ले दो तुम। पापा के गिफ्ट कहाँ है? देखो एक भी चीज दी, मैंने तीन तीन चीजें दी है। साथ में बैठ, साथ ले। तेरा गिफ्ट है, जो पसंद आए वो ले ले दो। मेरे को ले, पकड़ रखो, ये पकड़ रखो, ले ले दे दे। ये लो, एक तो तुम्हारे उस चीज के लिए खींचो फोटो, ठीक है? और गाइस, हम थोड़े से लेट हो गए थे, हमारा छोटा सा बर्थडे हमने हमारे घर पे सेलिब्रेट कर लिया। नेक्स्ट बर्थडे जो है हम बाहर प्लान करेंगे, फिलहाल हमने छोटा सा बर्थडे हमारा घर पे कर लिया है, ठीक है? ऐसे करो, बस काटना नहीं है। मम्मी गर्म करो, मेरा फोन बड़ा स्लो चल रहा है, खींच ही नहीं रही है। इतनी सारी वीडियो डिलीट करो, करिए मैंने सारी डिलीट, फोटोज भी करो। इसमें चलो बैठ जा, मेरे को थोड़े लाओ माच की। तो ये कैंडल लाइट डिनर, दैट मींस केक कटने वाला है, कैंडल चलाने वाले हम इसको। Let's burn the candles and start cake cutting. मेरा केक मैं काटूंगा, तुम क्यों काटोगे? मैंने तेरा केक काटा था कोई? नहीं ना, मेरा केक काटूंगा, चलो शुरू करो, स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल बुझाऊंगा, सब लोगों को क्या करना है? हैप्पी बर्थडे डियर टू पापा, डियर टू पापा, ठीक है? स्टार्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you, Papa. Happy birthday to you. Thank you so much. और ये हम हमारे बड़े भाई का जो है पहले निकालते हैं। पहले भैया का निकालते हैं। मेरा बिग ब्रदर। ये क्या है, बड़े क्यों? ये कोटिंग करी है इन्होंने वेलवेट वाली। थोड़ा केक चम्मच से निकालो, चम्मच से, चम्मच से कुछ नहीं होता, चम्मच एकदम कमाल है। और भाई किया चाकू थोड़ा, ये मेरे बड़े भाई का केक, मेरा बड़ा भाई, पहले उनको निकालते हैं। हाउ जी तेरे कौन है बड़ा भाई? नीचे देखा नहीं था, कल बात कर रहा था जब मैं साफ कर रही थी।
नहीं है, अभी हमारे बीच है, हमारे बीच ही ऑलवेज पूछ ले काश इधर कर देते हैं ना ये जेम्स कास को क्यों खा रही तू? जेम्स कास खाएगा तू? मैं हूँ जेम्स कास, खा ले मुझे। मम्मी नहीं खाती है केक क्योंकि उन्हें डाउट रहता है इसके अंदर एग है। वैसे डाउट क्या, मोस्टली लोग एग डालते हैं। एग डालते ही हैं केक के अंदर। स्पेशल ऑर्डर पे बनवाओ तब एग नहीं होता। इसलिए अभी जब मदर डे था ना तो मैंने घर पे केक बनाया था, वो खाया था इन्होंने। छोटी सी फैमिली, छोटा सा बर्थडे, बहुत ज्यादा जीवन दे सबको भरपूर। तुम्हारी प्लेट ले आओ, तुम्हारे को ऐसे करके बैठ गया शाबाश। मनाती नहीं थी कभी ना, तो अब ये बड़े हो गए तो अपने आप मन को कर लेते थे दोस्तों में। हमने कभी तीनों को बनाया ही नहीं था। ये हमारे बच्चे जो है ना केक के ऊपर की डेकोरेशन वाली आइटम खाने में बड़ा है। आइयो ये लो, तुम्हारी प्लेट का है बेटा, प्लेट लाओ अपनी। ये इतनी बड़ी प्लेट बेटा, इतनी बड़ी प्लेट इधर बैठ देना, केक आया है इसमें पूरा दे दो, दे दो। एक एक ले लो दोनों जने, ये देखो केक कैसे झपटा। एक तुम लो, एक एक लो रुको, मैं भी तुम्हारी छोटी ये वाला ले लो, ये ले लो छोटी प्लेट और चम्मच लेके आता हूँ। कितनी बड़ी प्लेट और चम्मच लेके आए हैं बच्चे। खाना हम लोग बाय द वे केक काटने से पहले खा चुके थे। तो बर्थडे बहुत सिंपल सा बना, और क्योंकि ये थोड़ा सा जॉब से ऑफिस से लेट आए थे बुला नहीं पाए, मतलब प्लानिंग पूरी कर रखी थी लेकिन सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, चौपट हो गया सब क्योंकि लेट आए थे। कितना 7:30 बज गए थे तुम्हें? मम्मी ने बलून भी नहीं फुलाए, बोल रही थी कल। मतलब हमारी दो प्लानिंग चल रही थी, या तो हम बाहर जाएंगे या फिर हम घर में कुछ करेंगे। तो बाहर जाने का टाइम नहीं मिला और फिर घर पे जाकर डेकोरेशन करने का भी टाइम नहीं मिला, इसलिए सिंपल सा कर लिया बस। क्या हो गया, सादा सी सादा चीज करने में भी डेकोरेशन से भी ज्यादा कोशिश बहुत की थी, बट क्या है कि चल नहीं पाया ऑफिस से, वरना बहुत अच्छा ब्लॉग भी शूट करना था, वो जाना नहीं था बाहर, बाहर ही जाना था तो बस कैंसिल हो गया, सब खराब रह गया। जो सोचो वो कभी नहीं होता, तो यही आज है 17 अगस्त, अब 12 दिन वेट करो, 12 दिन वेट करने के बाद पड़ोसन का बर्थडे आएगा 15 अगस्त, मतलब इस पड़ोसन का बर्थडे। उस दिन पता है कान्हा जी का ही बर्थडे, देखते हैं अभी कुछ नहीं बोल रहे टाइम का कुछ, क्योंकि हमारा जब अगस्त में आज कुछ ऑफिस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इस वजह से ये लेट हो गए, नहीं तो ये वैसे तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आज ही प्रॉब्लम हुई तो देर। हमारा ऐसे ही होता है जब कुछ ऐसा होता है ना, वो सोच के बैठे तो वो चौपट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप तो हमसे जुड़ी गए हो तो छोटी छोटी सी बात हम सेलिब्रेट करेंगे आगे, ठीक है? तो
कैसा लगा आपको छोटा सा बर्थडे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और प्लीज प्लीज विश विश क्या करना, बिलेटेड हो जाएगा जब तक आपको मिलेगा ये, है ना। नहीं, मेरे को बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इवन काफी सारे मेरे दोस्तों ने इंस्टाग्राम पे मेरा क्या नाम है स्टोरी भी लगाया था, और वो सारे के सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके अच्छे से मैसेजेस आए थे मुझे इंस्टाग्राम पे, और उन लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम पे अपने उस पर स्टोरी भी लगाई थी। उन सब लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच और बहुत सारा प्यार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग सा देखना चाहते हो तो प्लीज कॉमेंट में जरूर बताना कि हमें ये देखना है। तो डेली का मैं क्या शूट करूँ मुझे नहीं समझ में आता, तो आप मुझे सजेस्ट करो कि मैं क्या शूट करूँ, क्या ब्लॉग बनाऊँ या क्या कुछ डिफरेंट सा करूँ, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय 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 बाय, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाय बाय गाइस, बाय, टेक केयर। ऐसे विश कौन करता है, जिसने इस साल का थोड़ा सादा सा मतलब सिंपल सा ऐसे बर्थडे मनाया, लेकिन इसे मेरे ही चैनल पे पिछले साल का ब्लॉग देखना इनके बर्थडे का, तो बहुत अच्छे से मैंने सेलिब्रेट किया, देखना आप, ठीक है। ओके, बाय गाइस।